भाई तुम हमारे आसपास ही रहते हो, हम तुम्हारी दुकान लगने देंगे। पुलिस घर पे पहुंची के आईडी से निकाली दे दो दे। और नहीं है। हे गाइस, वेलकम करता हूं आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस अभी मैं यहां छाता खोल के खड़ा ही हूं क्योंकि मुझे जाना है आज नन्नू को लेने। वैसे जब फर्स्ट टाइम वो यहाँ स्कूल गई थी जब मैं छोड़ने गया था, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं गया था। तो चाची कह रही है आज तू चला जा, और बारिश भी हो रही है तो छाता खोल लिया और उसका स्कूल का छूटने का टाइम हो गया है। तो फटाफट पहुंचता हूँ और लाता हूँ नन्नू को। नन्नू के स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, ये बच्चे से के स्कूल के हैं। तो अब पहुंचता हूँ, खड़ी होगी वो अंदर। सारे बच्चे छूट गए। ये नन्नू का स्कूल मिल गई है। नन्नू नमस्ते। गाइस नन्नू के आंखों में आंसू आ गए, थोड़ा लेट हो गया ना मैं। नन्नू लेट हो गया था मैं तो तू रोने लगी। चाची आती है रोज। तो कैसा लगा नन्नू आज मैं आया तो? गाइस चलो चलो, ये कह रही मुझसे तू गंदा भाई है, दिल लेट आया, जल्दी नहीं आ सका। चलो जल्दी आगे चलो। चलो गलती हो गई। तो अब मैं अभी आ गया, मुझे थोड़ा टाइम लेट हो गया बस, सॉरी। चलो जल्दी जल्दी ओ ठीक है ओके। बैग भी ले लिया है। चलो अब जल्दी जल्दी, बारिश हो रही है। आ? ले ले और नहीं, बस आँख ही आँख ले नन्नू, बस दो चीज बहुत है। आंटी दे देना है क्या आप? ठीक है नहीं, मैं लेट हो गया था, तूने दो दो चीज ही ले लिया है ना, लस्सी और आप। नाइशा भी मिल गई स्कूल से आती हुई और नन्नू, चलो दोनों। मैं थोड़ा ही लेट हुआ, चल जल्दी चल। गाइस अभी नन्नू को तो लेकर आ गया मैं, और यहाँ पे समोसे बनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल और परसों वाले ब्लॉग में बताया था कि एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग में रह रहा था, तो उसे हम पूरा कर रहे हैं। तो इसमें समोसा पाव और वड़ा पाव दोनों मिक्स करके बांटना है। तो अभी समोसे बन रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े बनेंगे। पर बारिश नहीं रुक रही बिल्कुल भी। बारिश रुक जा आज तो मैं जाने नहीं दुकान पे। हम भी बारिश से बोलेंगे हम जाएंगे। तो करते हैं, अब मैं भी देखता हूँ क्या क्या। बाकी ये प्लेट्स कुछ खत्म हो गई थी, ये भी ले आया था मैं। फिर कुछ दिनों बाद सारा मान एक साथ ही भर लेता हूँ मैं, ताकि दो चार दिन चल जाए। गाइस यहाँ पर समोसे सारे हो गए रेडी, समोसे तो सारे रेडी हो गए, अब बस बड़े बाकी है। तो बड़े कर रहे हैं हम, निकाल दो सारे। तो गाइस यहाँ पर हमारा तो काम पूरा हुआ, वड़े भी बन गए हैं पूरे और समोसे भी बन गए हैं। अरे अरे तेल निकलेगा माते। कुछ देर बाद मैं पाव लेकर आ जाऊंगा, फिर पाव में वड़े और समोसे ला के उन्हें पैक कर देंगे। तो गाइस अभी सारा काम हमारा फिनिश हो गया, जैसे कि मैंने बताया बस पाव लाने की देर है। पर अब हमें अपने दुकान का थोड़ा बहुत जो भी बनाना था वो स्टार्ट करना था, लेकिन पापा कह रहे हैं कि बारिश रुके उसके बाद ही काम आगे का स्टार्ट करना। पापा कह रहे हैं बारिश रहेगी तो अभी मत करो। क्यों पापा? और कल नुकसान कितना हो गया, मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो नहीं जाए।
बारिश रुक गई तो जाएंगे, नहीं रुकी तो जाके फायदा है क्या वहाँ पे, नुकसान खाते हैं बस। चलो देखते हैं, वैसे सुबह से हो रही है बारिश और मौसम बेकार ही हो रहा है, पर हमने डिस्ट्रीब्यूट जो करने का था ऑर्डर का था वो तो पूरा कर दिया है। थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक मैं यहाँ पे झाड़ू मार देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ से पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, बट बारिश अभी तक नहीं रुकी और बादल थोड़े से भी नहीं हट रहे। वक्त हो गया पाव लेकर आने का, लेकर आता हूँ मैं पाव। पाव लेकर आ गया हूँ मैं और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही और सब घर में तो सोए पड़े हैं और एकदम बोर सा लग रहा है मुझे तो। आज बारिश नहीं होती तो दुकान पे जाते, या ऐसे भी जा सकते थे। नहीं होता ना ऐसे भी जाने से, ग्राहक नहीं आते, जूस वाले अंकल भी नहीं गए अभी। अरे माल बच के आता घर में तो क्या फायदा, नुकसान पे नुकसान। बारिश रुक जाए तो अच्छा है। और अभी हम ये भी पाव तो ले आया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ शुरू करें इन्हें पैक करना, तो बारिश है फिर कहाँ बारिश में घूमे बांटने के लिए, इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो गाइज अब फिर से एक प्रॉब्लम आ रही है, कल जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया कि दो फेक अकाउंट बने हुए हैं यूट्यूब पे मेरे ही नाम जैसे, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग का फर्क है, लेकिन फोटो भी मेरी है और लोगों को वो उल्टे सीधे रिप्लाई कर रहे हैं, जो कि देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जितना हो सका था कल मैंने पर्सनली सबको रिप्लाई करके बताया कि ये मेरा अकाउंट नहीं है। और फिर मैंने कल वाले ब्लॉग में, आप जिसने भी देखा होगा, आप में से जिस किसी ने कल वाला ब्लॉग देखा होगा, उसके शुरू के 5 मिनट मैंने इस बारे में रखे, सारी चीजें अच्छे से क्लियर करके बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और मैंने उन दोनों चैनल पे 2-3 बार रिपोर्ट भी करी और वो चैनल तो आए नहीं। लेकिन फिर अभी मैं बैठा ही था और मैंने फिर कमेंट सेक्शन खोला मैंने कमेंट पढ़ने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक और अकाउंट बन चुका है, तीसरा है, और इस बार डबल एन कर रखा है मनोटे की स्पेलिंग में और उल्टे सीधे रिप्लाई कर रखे हैं। और कुछ भाई उन रिप्लाईज को सीरियस ले रहे हैं जिन्होंने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, और वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे आसपास ही रहते हो, ऐसे उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, हम तुम्हारी दुकान नहीं लगने देंगे। और उनके उस कमेंट पे भी फेक अकाउंट ने कर रखा रिप्लाई कि कर लो जो, मुझे धमकी मत दो, ये मत दो। ऐसे एक नहीं 2-3 भाई को, भाई के मेरे पे रिप्लाई आए हैं कि ऐसा, मतलब उन्हें लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, पर जबकि ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। पता नहीं मेरी आज की वीडियो पे, कल की वीडियो पे अभी तक भी इतने व्यूज नहीं आए जितने एवरेज व्यूज चल रहे थे, क्योंकि काफी लोग मुझे ही समझ रहे हैं कि मैं ही सबको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, जबकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। और अब एक सबसे अच्छी चीज आज हुई है कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, अब मैं किसी को भी कमेंट का रिप्लाई दूंगा तो मेरे नाम के पीछे एक साइन राइट का टिक आएगा, वेरीफाई टिक बोलते हैं उसे, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये मेरा रियल अकाउंट है और मेरा फेक अकाउंट नहीं है। तो मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, जो भी आपको फेक अकाउंट से उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं उन पर आप रिपोर्ट करो, और वो मुझे मत समझो क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो टेंशन हो रही है क्योंकि सब मुझे ही समझ रहे हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कैसे लोगों तक बात पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा जिन्हें ये उल्टे सीधे रिप्लाई गए वो मेरी वीडियो देखे। अगर वो देखते तो उन्हें कल की वीडियो से ही पता चल जाता कि ये एक फेक अकाउंट से रिप्लाई आ रहे हैं। पर अब मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूँ, उसमें मैं अच्छे से बताऊं ताकि सभी लोग देख सकें। अभी मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के डाल दिए ताकि सब लोग इन्फॉर्म हो जाए इस बारे में कि मेरे फेक अकाउंट बने हैं और उनसे रिप्लाई आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गलत हो रहा है, लोगों को ये बुरा भी लग रहा है और मैं नहीं चाहता जो भी मुझे देखे उन्हें इस तरीके से बुरा लगे कि मैं कर रहा हूँ उन्हें रिप्लाई, क्योंकि मैं कभी किसी को जो भी मुझे देख रहा है, चाहे मुझे बुरे भी कमेंट कर रहा है कितने भी, मैं एक बार वो कमेंट को पढ़ के रिप्लाई नहीं दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, नहीं देखूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, पर कभी मैं ऐसे गंदे बुरी तरीके से ऐसे रिप्लाई नहीं दूंगा। और जो मुझे समझा रहा है उन्हें भी ऐसे रिप्लाई जा रहे हैं तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गाइस। तो मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूं ताकि जिन्होंने मेरा आज का लॉन्ग ब्लॉग नहीं देखा, जबकि जिन्होंने देखा होगा जो मैंने आज डाला यानी कि कल जो आपने देखा, उसमें मैंने शुरू के 5 मिनट इस बारे में पूरी बात करी ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। पर हाँ, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी आज की मेरी वीडियो, तो इसलिए मैंने आपको इसलिए मैंने इन्फॉर्म करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी ताकि सभी को पता चले, और आई होप सभी लोग वो वीडियो अभी देखें। और अभी हमने वड़ा पाव भी पैक करने शुरू कर दिए थे, वड़ा पाव समोसा पाव दो दो करके कर रही है मम्मी, तो यहाँ पे
जब मम्मी पापा ये पैक कर रहे थे उसी बीच मैंने अपनी वीडियो भी शूट कर ली और डाल दिए, बस सबको इन्फॉर्म हो गया और सबको पता चल गया कि ये मैं नहीं कर रहा। तो गाइज अब हम अपने मेन काम पे आते हैं। आज के ये सारे वड़ा पाव डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, सारे पैक हो गए हैं यहाँ पे। आज पापा और मैं जा रहे हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने। मम्मी कह रही है कि चांदनी चौक चले जाओ, चांदनी चौक में एक मंदिर है, वहाँ मम्मी जॉब करती थी, तो कह रही हूँ वहाँ बहुत से जरूरतमंद लोग बैठे हुए दिखेंगे, लेकिन चांदनी चौक यहाँ से दूर भी और बारिश भी हो रही है, तो क्या करना है बताओ। यही मंदिर है, वहाँ पे बैठे रहते काफी सारे यहाँ पे ना। हाँ। तो आज चलते हैं मंदिर मंदिर घूमते हैं और जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग हैं वहाँ वहाँ घूमते हैं और आज का ये जो ऑर्डर है इसे पूरा करते हैं। इसको पन्नी लगा, पन्नी लगा, इन तो ऊपर पन्नी लगा, इतना सा पन्नी आ जाएगा। तो गाइज अभी पापा ये पन्नी लगा रहे हैं कुछ ऐसे बूंदे ताकि इस पे नहीं जाए कागज पे। इतना क्यों लगा रहे हो, एक एक करके लगाओ ना। सारी पिन्नी लग गई है, बहुत ज्यादा ही लग गई इसमें। चलते हैं अब। छतरी ले ले, ले तो नहीं गई बाबू। यहाँ पर पहला मंदिर पड़ेगा, वहां देखते हैं कुछ लोग मिलेंगे वहां दे देंगे। दे दो पन्नी। लो 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 लो। तो गाइस अभी हमें यहाँ चार पांच लोग मिले थे, उन्हें दे दिए, अब और आगे जा रहे हैं। चलो चलो रुक जाना भाई, चलो भाई जी। इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा मूड अपसेट हो रहा है, पापा अभी टेंशन में मैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा हमारे नाम के थ्रू किसी को बहुत उसके रुपया जा रहे हैं। मैं सही में मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर आपकी बार जो भी ये कर रहा है वो समझा समझा, मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ, मैं साइबर कंप्लेंट करूँगा, पुलिस घर पे पहुँचेगी आईडी से निकाल के। अब तो ऐसा हो गया है क्योंकि तो लास्ट है भाई, आप जो भी मेरी आईडी बना के ये सब कर रहा है वो बिल्कुल ना करें। मैं खुद तो खुद कंप्लेंट करूँगा और दो तीन जनों से कंप्लेंट करवाऊँगा, बाकी आप सभी लोग भी गाइज रिपोर्ट करिए। और जो भाई ये कर रहा है लास्ट टाइम में कह रहा हूँ मत करो, ये अच्छा नहीं है, बाकी फिर मैं कंप्लेंट कर दूँगा। तो गाइज अभी एक मंदिर हो रहा है वहाँ जा रहे हैं हम, कुछ लोग मिल गए हैं। दे दो, दे। और नहीं है कोई और जन नहीं है, बुला लो सबको, बुला लो काफी है, बुला लो ना सबको देना है हमें। यहाँ पर हमारा ये झोला पूरा खाली हो गया, अब ये भरा हुआ है, इसे भी देना है। यहाँ भी हमें ज्यादा नहीं, छह एक लोग ही मिले बस। इन्हें भी दे भैया, हाँ गाइज ये जो डिस्ट्रीब्यूट करवाया है वड़ा पाव समोसा पाव का, उनका नाम है संकेत चौधरी, बाकी हो गया आपका काम पूरा डन। तो गाइज अभी मैं खाना खाने बैठा हूँ, खाने में आज मसाले के चावल बने हैं तो खा लेता हूँ। खा लिया मैंने खाना और अब वक्त हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का। आज सोचा था मैंने कुछ करने के लिए पर मैं कर नहीं पाया, जो भी हुआ वो मैंने नकली आईडी देखी, मैंने सोचा वो कल जो हो गया होगा, लेकिन आज फिर एक और तीसरी आईडी बन गई थी तो थोड़ा उससे टेंशन हो गया। बट हाँ कोई नहीं, अपना कल दुकान पे पहुंचेंगे। आज तो पूरे दिन बारिश थी और अब भी बारिश गिर रही है, अब भी बारिश रुकी नहीं। जहाँ हम लगाते हैं वहाँ तो आपको पता ही है पानी भी भर जाता है, तो आज इसलिए हम गए नहीं, बाकी कल चलेंगे अपनी शॉप पर। तो करता हूँ अब मैं इस ब्लॉग का एंड, आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।